तो ठीक है ना। लेक्चरिंग ऑन द सिलर की बचाव की विधियां, सिलर की बचाव की विधियां या फिर मेथड ऑफ, या फिर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग टू डैम्पनेस, ठीक है ना। यही हम आगे बढ़ रहे हैं यहां से आगे, है ना। ऐसे दो मेथड पढ़ लिए थे हम लोगों ने, है ना, सिलर की बचाव की विधियां या मेथड ऑफ डैम्पनेस, है ना, मेथड ऑफ प्रिवेंट टू डैम्पनेस। इसकी हम लोगों ने दो विधियां पढ़ ली थी। इतनी विधियां पढ़ ली थी हम लोगों ने, इसकी दो विधियां पढ़ ली थी। अब और इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसी लकड़ी की जो होती है सिल रोक पतली पर, सिल रोक पतली परत, ये तीसरी मेथड हो गई हमारी सिल रोक पतली परत, या इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखो जो सीलन होता है हमारा, ये आप लोग सीलन देखते होंगे, जो हमारा सीलन होता है वो तो अधिकतर कहां से जाएगा अपना छिद्र, जहां पे होल वगैरह रहेंगे ना। अरे दीवार में अगर छोटे पर कभी होल वगैरह रहते हैं तो सीलन हमारा वहीं से गुजरेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीलन में, ये सीलन में अगर जल पदार्थ का उपयोग किया जाए, अगर ये सीलन में अगर जलरोधी पदार्थों का उपयोग किया जाए, जलरोधी पदार्थों का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, जलरोधी पदार्थों का उपयोग किया जाए, किया जाता है, तो कम से कम जो सील, जो सील है ना या सीलन, उसमें पहुंचने से रुक जाएगी। इसीलिए इस मेथड में क्या करते हैं कि जो प्लिंथ लेवल होता है हमारा, जो प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल के नीचे, प्लिंथ लेवल के नीचे नीचे सीमेंट कंक्रीट की, सीमेंट कंक्रीट की परत, सीमेंट कंक्रीट की परत डाल दिया जाता है, सीमेंट कंक्रीट की परत डाल दिया जाता है, तो ये सीमेंट कंक्रीट की परत होती है ना, इसकी ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सीमेंट कंक्रीट की परत कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होनी चाहिए। और प्लिंथ लेवल का अगर सीमेंट कंक्रीट का हम लोग अगर परत डालते हैं तो ये परत क्या काम करेगी सर, जो मिट्टी में जो नमी होती है ना उसको चलने से रोक लेगी उसको, है ना, एक तरीके से ये जलरोधी रूप में कार्य करेगी। है ना। अब सीमेंट कंक्रीट में भी कुछ उनको छिद्र होते होंगे, तो सीमेंट कंक्रीट में या फिर कंक्रीट में, कंक्रीट में कुछ
कंप्लीट में कुछ जल रोधी पदार्थ जलरोधी पदार्थ मिलाया जाता है, जलरोधी पदार्थ मिलाया जाता है। अब वो जलरोधी पदार्थ कौन कौन से हो गए हमारे? सबसे पहला जो होता है हमारा पाब्लो इनकोर्मो है ना, जलरोधी पदार्थ होते हैं ना, जैसे इसमें बात करो पाब्लो इनकोर्मो है ना, पाटलो हो गया हमारा, इनकोर्मो हो गया हमारा, सिको हो गया, कंपोसिल हो गया, सिको हो गया, कंपोसिल हो गया, सिको हो गया, कंपोसिल हो गया, ये सब रासायनिक पदार्थ है। वो जितने भी पदार्थ हैं ये भवन निर्माण, ये भवन निर्माण विक्रेता के पास, ये भवन निर्माण विक्रेता के पास उपलब्ध होते हैं। और इन पदार्थों को, इन रासायनिक पदार्थों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? अनुपात में 1 देखिए क्या होता, लिखा हुआ होता है अगला जो होता है हमारा खोखली दीवार बनाकर होता कैविटी कंस्ट्रक्शन, कैविटी कंस्ट्रक्शन या फिर खोखली दीवार बनाकर, खोखली दीवार बनाकर, कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होता है, एक तो होती है आंतरिक दीवार, एक आंतरिक दीवार होती है, यानी इंटरनल वॉल, इंटरनल वॉल हो गया। दूसरी यहाँ पे कौन सी होगी अपनी? बाह्य दीवार, बाह्य दीवार इसको बोल सकते हैं अपन लोग, एक्सटर्नल वॉल। इन दोनों के बीच में,
इन दोनों के क्या में बीच में है ना, बीच में क्या रखते हैं कुछ खोखला, कुछ खोखला रखते हैं। तो क्या होता है कि भैया अगर बाह्य दीवार से कोई दीमक आएगी, बाह्य दीवार से अगर कोई सिलन आएगी, बाह्य दीवार से अगर कोई सिलन आएगी, अगर बाह्य दीवार से है ना कोई सिलन आएगी तो सीवर के अंदर दीवार में प्रवेश करेगी है ना, और वो फिर का खोखला पोषण में जाएगा। तो हम लोग ये जान सकते हैं खोखले पोषण में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जलरोधी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये कुछ इसके अलग अलग मेथड हो गए थे हमारे। इसी के साथ में जो हमारा चैप्टर हमारा डैम्पनेस ये फिनिश हो चुका है। क्या कहा, केवटी कंडक्शन खोखले दीवार बनाकर आप लोग एक दीवार की होगी, दूसरी दीवार ये होगी, दोनों दीवार के बीच में खोखला डालते हैं, उसमें क्या जलरोधी पदार्थ हम लोग भरते। अब जिससे क्या होता है कि बाहर से जो सीलन वगैरह आएगी ना वो जलरोधी पदार्थों में उसको कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे पी सी का पूरा चैप्टर। ओके।